आओ एक कैरम बोर्ड लइए जिस ऊपर कॉइंस अते स्ट्राइकर रखे हुए हन। जदों स्ट्राइकर दे ऊपर थोड़ी जही फोर्स लाई जांदी है तां एक कॉइंस नाल स्ट्राइक करता है। इस स्ट्राइकर अते कैरम बोर्ड दे सरफेसेस दरमियान फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दी मौजूदगी कारण होंदा है। माइक्रोस्कोपिक लेवल ते वड्डी गिनती विच पॉइंट्स कॉन्टैक्ट विच आउंदे हन। इस करके दो सरफेसेस दरमियान असल कॉन्टैक्ट विच आउण वाला एरिया नॉर्मल रिएक्शन दे प्रोपोर्शनल होंदा है। ए दो सरफेसेस दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नू दसदा है। सरफेसेस नू स्मूथ करन लई कैरम बोर्ड दे ऊपर पाउडर पाया जांदा है जिस कारण घट गिनती विच पॉइंट्स आपस विच एक दूजे नाल कॉन्टैक्ट विच आउंदे हन अते फ्रिक्शन घट जांदी है। हुण सरफेसेस नू होर स्मूथ बनाउण लई जे कैरम बोर्ड ते ऑयल लाया जावे तां बहुत वड्डे एरियाज आपस विच कॉन्टैक्ट विच आउंदे हन अते इसे करके कॉन्टैक्ट पॉइंट्स ते बहुत ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन होंदा है। इस कारण फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बहुत ज्यादा वध जांदा है। द मैथमेटिकल डिस्कशन ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन सर्टन अजम्पशंस विच आर एम्बॉडीड इन द सो कॉल्ड लॉज ऑफ फ्रिक्शन एंड आर फाउंड टू बी इन क्लोज एग्रीमेंट विद एक्सपेरिमेंट्स। व्हेन टू बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेज ऑफ फ्रिक्शन ऑन वन ऑफ देम एट इट्स पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट is opposite to the direction in which the point of contact tends to move relative to the other. Also,